वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 10 की, और चैप्टर भी 10 है। इस वीडियो को हम लोग देखेंगे और लास्ट तक इसको देखिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी सारे सवाल जो है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछे जा रहे हैं, और इसीलिए आप सभी के डिमांड पर ये टॉपिक हम लेकर आए हैं। इसको हम लोग दो पार्ट में देखेंगे, एक होगा दर्पण, दूसरा होगा लेंस। ठीक है, ये दो अलग अलग है, काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसलिए इसमें टाइम लगेगा, तो दो पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो दोनों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं उन्हीं को देखेंगे, उससे ज़्यादा हमको नहीं देखना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा सिर्फ हम उसी चीज़ को यहाँ पर फोकस करेंगे। ठीक है, या जो पूछा जा रहा है उसी तरह की चीज़ें यहाँ पर फोकस की गई हैं। प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं कुछ, और वो नियम क्या क्या हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम होता है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये नियम अक्सर पूछा जाता है, यूपीएससी लेवल तक में भी आप देखेंगे, बीपीएससी लेवल और यूपीएससी लेवल में भी इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं। प्रकाश के परावर्तन को संदर्भ में रखते हुए निम्न कथन पर ध्यान दें, और उसके बाद ऑप्शन दिया होगा कि केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। जब बात होती है दर्पण की, तो उसमें आपको याद रखना, सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं समतल दर्पण। ठीक है, बैक साइड पर इसके जो है वो क्या किया रहता है, सरफेस जो है वो प्लेन, वैसे ये सरफेस जो है वो कलई की होती है पीछे, यानी उस पर पेंट किया होता है एल्यूमिनियम से, या फिर आप उसको कह दें कि किसी भी तरह के चांदी से या और भी चीज़ों से जो है उसको पेंट किया जाता है, और फिर जब उस पर कोई भी लाइट आती है तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, लाइट जो आती है वो रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर हम लोग समतल दर्पण के अंदर, नॉर्मली जो हम लोग हमारे घर में जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण ही होता है, जिसमें हम अपनी इमेज देखते हैं, फोटो, हम अपनी जो चेहरा देखते हैं। समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो आभासी होता है और सीधा होता है। ठीक प्रतिबिंब के साइज, जो वस्तु का साइज होगा, प्रतिबिंब भी उसी साइज का होता है। यानी अगर कोई वस्तु इतनी बड़ी है तो उस समतल दर्पण पर, ये जो दर्पण है इसमें भी जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो उतना ही बड़ा बनेगा। जितनी दूरी पर ये स्थित है उतनी ही दूरी पर दर्पण से पीछे वो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे लिखा गया है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी दर्पण के सामने बिंब यानी वस्तु रखी होती है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। जैसा पार्श्व का मतलब यहाँ पर हो गया उल्टा, जैसे कि अगर आप दाहिना हाथ देखेंगे, राइट हैंड साइड देखेंगे, तो आपको इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड नजर आएगा। ठीक है, समतल दर्पण के अंदर ये खासियत होती है कि अगर आप अपना दाहिना हाथ उठाएंगे तो आपको दर्पण में आपको लगेगा कि बायां उठ रहा है, क्योंकि आप इमेज आप अपने सामने देख रहे हैं। ठीक है, तो यही पार्श्व परिवर्तन होता है। इतनी चीजें थी जो यहां पर आपको पढ़नी थी। अब आगे देखिए, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है हम लोग वो चीजें देखेंगे। अब देखिए, समतल दर्पण पढ़ने के बाद हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय का मतलब इस तरह से हो, और इसी को अगर हम बीच से ऐसे काट दें तो दो पार्ट में ये इस तरह से बन जाता है, तो ये गोलीय दर्पण का हिस्सा है, जो कि अवतल और उत्तल दर्पण होता है। समतल दर्पण बिल्कुल सीधा होता है, ये गोलीय दर्पण का हिस्सा नहीं होता है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि समतल दर्पण हमेशा सीधा होता है। ठीक है, अब देखिए, गोलीय दर्पण को हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, यानी जहां से वो परावर्तित होती है प्रकाश या किरण, परावर्तक जो पृष्ठ है वो अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, और वो अवतल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो दो ये परिभाषा है जो आपको याद रखना है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जो है, ठीक है, के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव भी आपको याद रखना है, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पोल इसको कहा जाता है, और ध्रुव को प्रायः पी अक्षर से निरूपित करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आगे देखिए, यहाँ पर गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ का मतलब समझिए, ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं ना, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसके पीछे ये कलई की गई है। तो अगर इमेज पर या अगर इस मिरर पर यानी इस दर्पण पर लाइट आती है तो वो यहीं से बैक हो जाएगी। ठीक है, यहीं से वो बैक हो जाएगी, इसके पीछे नहीं जाएगी, तो यही परावर्तक सतह होती है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दो अलग अलग इमेज दी गई है,
और ये बताया गया कि एक अवतल एक उत्तल है, ये वाली इमेज गलत है। इसको आप याद रखिएगा, ये गलत है क्योंकि इसकी जो परावर्तक सतह है ये भी अंदर की तरफ है। अगर हम इसको आगे गोल करके देखें तो इसका सेंटर कहीं पर है, तो ये अंदर की तरफ ही इसकी परावर्तक सतह बन गई, और इसको भी देखें तो ये भी अंदर की तरफ ही बन गई। तो ये जो है अवतल दर्पण ही बन गया है दोनों। ये एरर है, इसमें आप इसको ठीक कीजिएगा। गोलीय दर्पण का आरेखित निरूपण छायांकित भाग परावर्तक नहीं है, ठीक है। तो देखिए परावर्तक जो है वो छायांकित भाग नहीं है, यानी अंदर से है, तो अंदर ही दोनों तरफ हो गया, तो ये इमेज गलत है। इसको हम आगे ठीक कर लेंगे, कैसे ठीक होगी वो हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र हमने बताया आपको, ये जो हमने बताया कि गोलीय दर्पण, अभी हमने देखा है ध्रुव, अब देखते हैं गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। एक गोले का भाग होता है, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र जो है, जैसे ये गोलीय दर्पण है इसका ये सेंटर होगा, तो इसको हम लोग सेंटर सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर वक्रता केंद्र दर्पण का भाग। ये देखिए कृपया ध्यान दें, वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, जबकि उत्तल दर्पण में ये जो पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, वक्रता केंद्र जो है वो परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। अब देखिए वक्रता त्रिज्या के बारे में याद रखना है आपको, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी जो त्रिज्या है वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब मान लीजिए कि ये जो दर्पण है हमारा, ये गोलीय दर्पण का, इसी गोलीय दर्पण से हमने यहाँ से काट के दो दर्पण बनाए, ठीक है। तो जिसका मान लीजिए कि ये बाहर की सतह इसकी जो है कलई की गई है, और मान लीजिए इसकी भी बाहर की गई है, हमने काट के दर्पण बनाया। अब दर्पण जो हमने बनाया ये अवतल दर्पण हुआ, क्योंकि इसकी बाहर की सतह कलई की गई है, अंदर इसका परावर्तक सतह है, तो ये अवतल दर्पण है। अब इसकी जो त्रिज्या है वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ये वाली जो दूरी है जिसकी जिसका ये सेंटर से लेकर ये जो रेडियस है यही इसकी वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। जिस गोलीय दर्पण का ये भाग था वही इसकी वक्रता उसकी जो त्रिज्या होगी वही दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करेंगे, आर से, क्योंकि त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं रेडियस, तो वक्रता त्रिज्या को भी हम लोग आर से डिनोट करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो पीसी की दूरी है वक्रता त्रिज्या के बराबर है, तो पीसी कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ की जो दूरी है, पोल से लेकर जो वक्रता त्रिज्या की दूरी है वो बराबर है, हर जगह पर बराबर होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए, इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये दर्पण है, तो यहाँ से हम एक सीधी रेखा की कल्पना करते हैं, तो ये जो रेखा देख रहे हैं आप ये क्या होगी, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसी पर पोल भी बनेगा, इसी पर सेंटर बनेगा, इसी पर जो है वो रेडियस होगी, इसी पर इमेज भी बनेगा, इसी पर इमेज या तो उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, जैसे भी इमेज बनता है, जिस दर्पण में हम लोग आगे बात करेंगे कि इमेज किस तरह से कैसे सीधा और उल्टा बनता है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए वो जो इमेज गलत था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अब उसको ध्यान से आपको देखना है। ये अंदर की सतह जब कलई की होगी यानी ये परावर्तक सतह होगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो है गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण कहलाएगा, और ये जो है वो अवतल दर्पण कहलाएगा। ये अवतल होगा और ये उत्तल होगा, ठीक है। इसकी अंदर की सतह जो है वो कलई की होगी। ये दर्पण ठीक इस तरह से जो है इसको हम लोग बैक करके भी देख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये ठीक है अंदर से रंगी हो गई सतह, तो इमेज अब जब लाइट आएगी वो इधर से आएगी। अच्छा उसी चीज को देखिए यहाँ पर जब बुक में आगे ठीक कर दिया गया है, आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए अवतल दर्पण, यहाँ पर ए में बताया गया ये अवतल दर्पण है, तो आप देखिए ये मिरर है और इसमें बाहर से जो है ये कलई किया गया है, और ये उत्तल दर्पण है इसको देखिए अंदर से कलई किया गया है, ठीक है। जैसा कि हमने वहाँ पर इमेज में बताया ठीक उसी तरह से यहाँ पर तो इन्होंने ठीक कर दिया है, लेकिन वहाँ उस इमेज में जो मेन इमेज बताई थी इन्होंने उसमें गलती है, तो उसमें आप लोग ठीक कर लीजिएगा। अब देखिए अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित होती हैं, परावर्तित किरणों के प्रेक्षण कीजिए, वे सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही हैं, यानी वो प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो वो प्रतिच्छेदी हैं, ये बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अब देखिए जितनी भी लाइट यहाँ से आ रही है ये लाइट यहाँ से मुड़ जा रही है, जो भी लाइट आ रही है वो लाइट यहाँ से मुड़ जा रही है, ये लाइट आई इस सामने से और इसी सामने से बैक हो गई, यहाँ से आई यहाँ से ऐसे आ गई, यहाँ से फिर लाइट आई और यहाँ से ऐसे आ गई। अब इसको ध्यान से देखें,
बैक साइड पे जाकर के ये मिलती है एक ही बिंदु पर, जितनी भी है वो सब एक बिंदु पर आकर के मिलती है। तो ये जो मिलती है ये कहाँ है, ये इसका फोकस है, ठीक है, ये इसका क्या है, फोकस है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, इसको मुख्य फोकस कहते हैं, इसको एफ से डिनोट किया गया है। परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यह उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और अवतल दर्पण के बारे में यहाँ पर देखिए, मुख्य फोकस हमने देख लिया, तो ये अवतल उत्तल दोनों के बारे में कहा गया है। यहाँ पर सिर्फ हमने अभी एक ही इमेज को देखा, जबकि ऊपर एक और इमेज थी, ये इमेज देखेंगे। देखिए यहाँ से आकर के ये बैक हो गई, यहाँ से आकर के ये बैक हो गई, ये सब एक ही जगह पर मिलेगी, जितनी भी आएगी वो एक ही जगह पर बैक होगी, और इस तरह से, ठीक है, जो भी आई है वो इसी तरह से बैक हुई है, ठीक है, तो सब यहाँ पर आई है और ये फोकस है। तो दोनों इमेज में हमने देख लिया, कहाँ पर वस्तु अनंत पर रखी हो या वस्तु कहीं पर भी रखी हो, उन सब से आप जो देख रहे हैं कि वो जो लाइट आ रही है वो एक ही जगह से आ रही है। अब उसके बाद देखिए, मुख्य फोकस को अक्षर एफ के द्वारा डिनोट किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। देखिए मुख्य फोकस को अक्षर एफ से डिनोट करता है, ये हमने बता दिया। गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी पी और मुख्य फोकस यानी एफ, इसके बीच की जो दूरी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी, यानी पोल से लेकर ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की जो दूरी होगी उसको हम लोग कहेंगे फोकस दूरी, और इसे अक्षर एफ के द्वारा डिनोट किया है। देखिए वो कैपिटल एफ था, ये स्मॉल एफ है, जो फोकस है वो कैपिटल एफ से डिनोट होगा और जो फोकस दूरी है वो स्मॉल एफ से डिनोट होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद देखिए, गोलीय दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक या एपर्चर कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगुनी होती है। गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, मान लीजिए ये वक्रता त्रिज्या है जिसको हम लोग आर कहेंगे, ये फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। तो फोकस दूरी जो होगी उससे दुगुनी होगी आर, तो R बराबर क्या हो गया, 2F। ये आपको इक्वेशन याद रखना है, इससे कई सवाल पूछे जाते हैं, और इसी को आप अगर कन्वर्ट करेंगे F इज इक्वल टू R बाई 2 हो जाता है। ये F जब यहाँ आएगा तो F इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ आ जाएगा, F बराबर R बाई 2 हो जाता है, ठीक है, या R बराबर 2F, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए, गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, और इससे सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और अभी भी लगातार पूछे जा रहे हैं। स्थितियां आपको याद होनी चाहिए, ये पूरा टेबल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छी तरह से याद रखें। किसी भी अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह से बनता है, देखिए बिंब का मतलब है यहाँ पर वस्तु, वस्तु की स्थिति यानी वस्तु कहाँ पर रखा है, प्रतिबिंब का स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा यानी जो छाया उसकी बन रही है, जो इमेज बन रहा है, और इमेज की जो प्रकृति है उस टाइप जो है वो किस तरह का इमेज बनेगा। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु के साइज का बनेगा, मतलब बिल्कुल छोटा बिंदु जैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा उल्टा होगा। अवतल दर्पण की बात हो रही है, अवतल दर्पण में पांच ऐसी स्थितियां हैं जहां पर इमेज वास्तविक और उल्टा बनता है, सिर्फ एक स्थिति ऐसी है जहां पर आभासी तथा सीधा बनता है, इसको आपको याद रखना है कि कहां पर है, पी तथा एफ के बीच में, ठीक है, पोल और फोकस दूरी के बीच में जो है, पोल और फोकस के बीच में जब रखा होता है तो प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे बनता है और विवर्धित बनता है यानी बड़ा बनता है, और आभासी बनता है यानी आभासी और सीधा बनता है, बाकी जितना भी है वो सब छोटा बनेगा, बड़ा भी बनेगा, लेकिन सब उल्टा बनेगा। देखिए सी से परे, सी से जब हटके रहेगा थोड़ा सा तो एफ तथा सी के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, जब सी पर होगा तो इमेज भी सी पर बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और समान साइज का बनेगा, यानी जो इमेज जो है, जो फोटो वस्तु की जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा इमेज भी बनेगा, कहाँ पर, सी पर बनेगा, समान साइज इसीलिए कहा गया है, बिल्कुल दोनों स्थिति जो वस्तु की है, बिंब जिस साइज का है उसी साइज का प्रतिबिंब भी बनेगा, सी तथा एफ के बीच होगा तो सी से परे यानी सी के बाद बनेगा, और विवर्धित यानी बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, एफ पर जब रखा होगा तो अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब, और अत्यधिक विवर्धित यानी बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो
तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक बड़ा जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, और पी तथा एफ के बीच जब होता है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, विवर्धित यानी बड़ा बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। एक यही स्थिति ऐसी है जिसमें आभासी और सीधा बनेगा अवतल दर्पण के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको अच्छी तरह से याद रखें। अब देखिए आगे, देखिए ये पूरी जो टॉपिक से जो सवाल आता है, मैक्सिमम सवाल यहीं पर से आता है कि इमेज जो है किस तरह से कैसे, अब ये उसी चीज़ को अलग अलग दर्शाया गया है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ रखी हुई है, इमेज उसका किस तरह से कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो इतने डिटेल में क्रियाकलाप में हम लोग नहीं जाएंगे, ये सब कुछ देखिए इसी तरह से स्थितियाँ बनी है कि अनंत पर रहेगा तो कैसे बनेगा, जब जो अनंत के बाद जब आ जाएगा नज़दीक सी के थोड़ा सा तो कैसे बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ पर बनेगा, उल्टा बन रहा है, देखिए यहाँ भी उल्टा बन रहा है, सी पर रखा हुआ है, देखिए यहाँ जितना ऊपर है उतना ही नीचे वहीं पर बन रहा है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बनेगा, सी और एफ के बीच आ गया है यहाँ पर, तो ये स्थिति है कि यहाँ पर जो है वो सी के बाद बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर जब एफ पर रखा गया है तो ये अनंत पर बन रहा है, यानी अनंत कुछ पता ही नहीं लगेगा कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अनंत आपको याद रखना होगा क्योंकि आप बता नहीं पाएंगे कि कहाँ पर बनेगा। उसके बाद देखिए जब यहाँ पर जब फोकस दूरी के और इस एफ और पी के बीच में वस्तु आ गई है, यहाँ पर देखिए एफ और पी के बीच में जब वस्तु आ गई है तो ये दर्पण के पीछे बन रहा है और बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने नोट करके लिखा है अवतल दर्पण में केवल इस स्थिति में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और क्या बनता है, आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है, इसके अलावा थोड़ा बड़ा भी बनता है, विवर्धित भी आप इसको कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट्स में, प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अग्रदीप में इसका इस्तेमाल होता है, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण यानी जो हम लोग कहेंगे कि हजामती दर्पण उसको बोलते हैं, शेविंग मिरर उसमें इसका उपयोग होता है, दंत विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं दांत के वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो दांत है वो बड़ा देख सके उसमें और उसका ट्रीटमेंट कर सके, सौर भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो अवतल दर्पण ही मैक्सिमम जगह पर इस्तेमाल होता है। अब उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में केवल दो स्थिति होती है, दोनों स्थिति को आपको याद रखना है, यहाँ पर इमेज भी आपको बता देते हैं। एक बार जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ये उत्तल दर्पण है, इसके अंदर की जो साइड है वो क्या है, कलई की गई है, पेंट किया हुआ है, ठीक है, और ये इसकी परावर्तक सतह हो गई। तो यहीं पर जब लाइट आई और यहीं से ये रिफ्लेक्ट कर गई, तो इसका जो फोकस है वो यहाँ पर बना, यहाँ से जो लाइट आई वो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई, इसका जो फोकस बना वो यहाँ पर बना, ठीक है। तो ये अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। दूसरा है कि यहाँ अनंत के बाद वो आ गई है पी के बीच में, ठीक है, अनंत के बाद जो है वो बी यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, अनंत और पी के यहाँ पर बीच में आई है, इसका फोकस इसका जो इमेज बन रहा है वो यहाँ बन रहा है फोकस और पी के बीच में, तो ये ध्यान रखिएगा। ये दो इमेज है, दो ही स्थिति है। अब इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरह, यहाँ पर देखिए छोटा इमेज बन रहा है और यहाँ पर ऐसा इमेज बन रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल बिंदु के जैसा। बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति को यहाँ पर ध्यान रखिए, अनंत पर है तो फोकस पर दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण तो यहीं पर है लेकिन इमेज इसके ठीक पीछे बन रहा है, ये पीछे का साइड है, यहाँ भी पीछे का साइड है, वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। अच्छा, प्रतिबिंब का जो साइज है वो अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का है, आभासी और सीधा बन रहा है, ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पर भी अनंत पर, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच जब रखा हुआ है, अनंत और ध्रुव पी के बीच जब रखा हुआ है तो पी और एफ यानी पोल और फोकस के बीच में जो है ये बन रहा है, ठीक है, और ये कहाँ पर है, दर्पण के पीछे है, साइज इसका छोटा है, आभासी तथा सीधा बन रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये दो स्थिति है मात्र उत्तल दर्पण की, अवतल में तो पांच छह स्थिति थी जिसमें एक स्थिति में आभासी बन रहा था, बाकी सब में वास्तविक और उल्टा बन रहा था, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग, अवतल के बारे में पढ़ा, उसके उपयोग के बारे में पढ़ा, उत्तल की प्रकृति हम इमेज कहाँ कहाँ बनता है वो हमने देखा, इमेज की प्रकृति क्या होगी वो देखा, अब उत्तल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। बहुत ही छोटा सा आंसर है इसका, सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य यानी विंग दर्पणों में, जिसको हम लोग साइड मिरर कहते हैं, साइड मिरर में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है,
ये ड्राइवर को सहूलत होती है पीछे की चीज़ देखने में, पीछे के वाहनों को देख सकते हैं क्योंकि वो रोड पर चल रहे हैं, तो साइड मिरर में जब तक वो किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, उसको साइड देना है या नहीं देना है, जगह है तो साइड देंगे, तो उस हिसाब से उनको वो स्थितियाँ मिलती रहती है पीछे की, और काफ़ी दूर तक की स्थिति जो है वो छोटी करके वहाँ पर उनको मिल जाती है, ताकि वो समय रहते अपना साइड दे सके और गाड़ी को सही ढंग से चला सकें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित वाहन चला सकें। यही है उत्तल दर्पण के उपयोग में एकमात्र चीज़ जो आपको याद रखनी है, बाकी इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको याद रखनी है। अब देखिए कुछ हो सकता, अब जो आगे क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप एक्स वाई एक्सिस को इस तरह से डिनोट करते हैं तो इसमें आपको याद रखना हो, क्योंकि इसमें आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई, आवर्धन पूछा जाएगा, तो ये सारी चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है वो यहां पर हम लोग देखेंगे। देखिए ऊपर की तरफ जब आता है यहां पर कोई, तो ये प्लस चीज की तरफ डिनोट कर रहा है, यहां से आप मान लीजिए ये सेंटर है, राइट साइड भी जब है ये प्लस की तरफ डिनोट करता है, लेफ्ट साइड में जब हम बढ़ेंगे कोई भी चीज़ माइनस में है, और नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ये माइनस में। इसी तरह से ये दर्पण में भी आपको दिखाया गया है, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आराम से देखिए, या चैप्टर 10 का एनसीईआरटी का बुक डाउनलोड करके वहां से आप इसको देखिए। गोलीय दर्पण की नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी है, इसको ध्यान रखना है, दाई ओर की दूरी प्लस में डिनोट करेंगे, नीचे की दूरी जो होगी वो ऊंचाई उसको माइनस में डिनोट करेंगे, यानी यहां पर मान लीजिए इसका ये सेंटर है, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये प्लस में डिनोट करेंगे, इधर बढ़ते हैं तो प्लस में डिनोट करेंगे, नीचे करते हैं तो माइनस में डिनोट करेंगे, इधर करते हैं तो माइनस में डिनोट करेंगे, वही चीज यहां पर जो है वो लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं आवर्धन क्या है, दर्पण के कुछ सूत्र हैं और आवर्धन है इसी पर आधारित सूत्र हैं, 1/v + 1/u = 1/f होता है। अब इसमें v क्या है, u क्या है और f क्या है, गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की जो दूरी है, बिंब यानी वस्तु, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बिंब दूरी जो है u कहलाती है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, यानी ध्रुव से लेकर के P से लेकर के जो प्रतिबिंब की दूरी है, यानी इमेज जहाँ तक बनता है उसकी जो दूरी है, उसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। इसके बाद देखिए ध्रुव से मुख्य फोकस की जो दूरी है वो F कहलाती है, ये हम पहले ही जान चुके हैं किस तरह से स्मॉल F में हम लोग डिनोट करते हैं फोकस दूरी को। इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध होता है, वो इस तरह से होता है। अब आपसे सवाल पूछेगा दर्पण में वस्तु की दूरी, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, या फिर ऐसे पूछे वस्तु वस्तु के प्रतिबिंब और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है, तो 1/v + 1/u = 1/f, ये इसका संबंध है और यही फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, जिससे सवाल पूछा जाता है। अब आगे देखिए आवर्धन, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, गोलीय दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिसे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, यानी कितना गुना बड़ा या छोटा है, आपको यह ध्यान रखना है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, m = हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है उसको h1 से डिनोट कर लिया जाता है और जो बिंब की ऊंचाई है उसको h से डिनोट कर हैं, ये m = ये फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। अब आगे यही फॉर्मूला आपको काम आएगा, ठीक है। m का मतलब यहां पर देखिए, m बिंब की दूरी u हो गई, प्रतिबिंब की दूरी v हो गई, और इससे संबंधित है, इसे व्यक्त किस तरह से किया जाता है, इस तरह से किया जाता है, m = यानी आवर्धन m = h1 या h, आप h, लगा करके इसको अलग से डिनोट कर लीजिए, इसको एच करिए। इसके अलावा यहाँ पर -v/u है, इस -v/u को आप ऐसे -v कभी मत लिख दीजिएगा, वरना जो भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे वो गलत हो जाएगा, ये होल का माइनस है, पूरे का माइनस है, ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके सामने होना चाहिए, और ये अलग है, ये अलग है, दोनों को मिलाने के बाद ये होल माइनस है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, दोनों के हिसाब से ये पूरे में माइनस है, सिंगल ऊपर वाले में नहीं, ये नीचे वाले में भी है, तो इसलिए इसको कभी भी आप जो है सिर्फ ऊपर वाले का समझ के करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए, बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है, प्रतिबिंब छाया जो इमेज है जो उसको हम लोग क्या लेंगे, उसको हम लोग धनात्मक लेंगे उसकी ऊंचाई, ठीक है, क्योंकि देखिए बिंब जो है वो मुख्य अक्ष के ऊपर होता है, वस्तु जब भी होता है इसके ऊपर होता है, तो हमेशा इसकी जो ऊंचाई है वो हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था, इस तरह से देखेंगे तो। अच्छा यहाँ पर देखिए, उसके बाद प्रतिबिंब के लिए जो है बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए इसे ऋणात्मक लेना होगा, आवर्धन के मान ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होते हैं,
प्रतिबिंब वास्तव, अगर आवर्धन आप निकालते हैं और आपको आवर्धन माइनस में आता है, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो वास्तविक है। क्या है? इमेज जो है वो वास्तविक है। और आवर्धन निकालने के बाद अगर आपको प्लस में आता है मान, तो इसका मतलब है कि जो ये प्रतिबिंब है वो आभासी है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर एक सवाल है, उसको हम लोग देखते हैं। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करें। ये दिया गया है। अब इसका हल देखिए यहाँ पर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन में दिया गया है, वक्रता त्रिज्या आ गई हमारे पास आर बराबर +3 मीटर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या हमारे पास 3 मीटर है। बिंब से जो दूरी है, बिंब दूरी यू जिसको हम लोग कहेंगे, यानी वस्तु की जो दूरी है वो कितनी है? -5। क्यों है -5? क्योंकि वस्तु हमेशा इस तरफ रखी हुई है और इस तरफ की चीज़ को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। तो अगर वस्तु यहाँ पर रखी है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी जो है वो 5 मीटर दी गई है, तो हम उसको -5 में डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब प्रतिबिंब की दूरी वी हमें नहीं पता है, हमें यही पता करना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 हमें नहीं पता है। फोकस दूरी जो है वो होती है f बराबर r/2। तो r हमको पता है कि 3 है, यहाँ वक्रता त्रिज्या दी गई है ना, तो इसका बटा 2 करेंगे तो हमें 1.5 मिल जाएगा, यानी 1.5 हो गई हमारी। तो ये भी प्लस में निकलेगी, क्योंकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस जो है वो दर्पण के पीछे होता है। उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो कहाँ होता है? दर्पण के पीछे होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था, ये कल ही किया होगा। और इसका जो फोकस है वो कहाँ पर होगा? रिटर्न होके यहाँ आएगा, यहाँ से रिटर्न होके जो ये लाइट ऐसे जाएगी, तो इसका फोकस कहाँ पर आएगा? यहाँ आएगा। तो इसीलिए जो इसकी जो रेडियस है वो पॉजिटिव होगी। अब देखिए, इस फॉर्मूले से 1/v + 1/u = 1/f हो गया। अब इस फॉर्मूले को जब हम यहाँ पर पुट करते हैं, इस वैल्यू को, सब वैल्यू हमारे पास है, पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू v बराबर आती है 1.15, जो कि पॉजिटिव है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। अच्छा, इसमें आवर्धन भी ज्ञात करना है हमें। सवाल में पूछा गया था कि कितना आवर्धन है वो भी बताइए। तो आवर्धन का फॉर्मूला हमने बताया था, h1/h होगा, जो कि -v/u हो जाता है। और इसमें -v की वैल्यू यहाँ पर हमको देनी है, ये माइनस है, और v/u की वैल्यू देनी है। तो v की वैल्यू दी, u की वैल्यू -5 थी वो भी हमने दी, ये +5 थी, +1.5 थी, 1.15। अब इसके बाद जो है, हम इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास 0.23 आता है, जो कि पॉजिटिव आता है। ठीक है, नीचे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये हमको पॉजिटिव मिलता है। और जब ये पॉजिटिव मिलता है, इसका मतलब है कि बिंब से छोटा, आभासी और सीधा प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे हमने बताया कि m = -v/u, इस तरह से आपको लिखना, ये सही है, -v/u लिखना गलत है। तो आपको पता लग गया कि ये प्रतिबिंब आभासी, सीधा और साइज में बिंब से छोटा है, क्योंकि 0.23 गुना है। अगर आप कोई चीज़ देखिए, कोई चीज़ 100 मीटर लंबी है, और उसको अगर आप 0.23 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 23 मिलेगा। 100 मीटर के बदले आपको 23 मीटर, 100 मीटर की वस्तु थी और उसका प्रतिबिंब 23 मीटर का बना, तो क्या मतलब है? छोटा बना ना, तो बिंब से छोटा बना साइज में, और वो सीधा बना, आभासी बना। साइज में सीधा और आभासी इसलिए बना, ये उत्तल दर्पण है। हमने आपको बताया था कि इसमें जो प्रतिबिंब अगर पीछे बनता है तो वो सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण की 2 स्थितियां थी, जिसमें हमने यहाँ पर देखा था कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, उत्तल दर्पण की एक बार फिर से आपको हम स्थितियाँ दिखा देते हैं कि उत्तल दर्पण में जो स्थिति बनी थी वो कहाँ बनी थी? आभासी और सीधा बनता है, तो ये तो आपको याद ही रखना है। ठीक, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी है न्यूमेरिकल का, आप लोग देख सकते हैं इसको भी। उदाहरण 10.2 में, कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब है किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। अभी हमने उत्तल वाला देखा, अब ये अवतल दर्पण का है। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए ताकि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब जब भी प्राप्त होता है किसी पर्दे पर ही होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। अब देखिए, बिंब किसी 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है और 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर बिंब साइज हो गया 4 सेंटीमीटर, वस्तु यानी बिंब की जो दूरी है वो -25 सेंटीमीटर हो गई, वो यू निकल गया हमारे पास। फोकस दूरी एफ जो है हमको वो -15 दी गई है, और
प्रतिबिंब की जो दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब का साइज आपको ज्ञात करना है। तो समीकरण तो हमको पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ पर ठीक उसी तरह से ये आपको पता ही है कि पॉजिटिव किधर होगा, निगेटिव किधर होगा। फोकस दूरी निगेटिव इसलिए हुई है क्योंकि ये जो दर्पण है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में फोकस जो है वो निगेटिव होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर सवाल है और उसको किस तरह से बनाया गया है। 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f को जब हम 1/v हमको निकालना है तो हम इस तरह से निकालेंगे 1/f माइनस 1/u। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दी गई है, इससे हमको v प्राप्त हो गया। v मिला हमको माइनस 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v हमको जब मिला माइनस 37.5 सेंटीमीटर, इसका क्या मतलब है, वस्तु ऐसे रखी हुई है तो इमेज भी जो बनी है वो पीछे ही बनी है। ठीक है, पीछे ही बनी है, ये दर्पण से पीछे ही बनी है। दर्पण से कहाँ बनी है, पीछे ही बनी है, सॉरी इसी तरफ, जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ बनी है, इसीलिए तो माइनस में है। तो जहाँ पर वस्तु है उसी तरफ बनी है इमेज, इसलिए माइनस में हमको ये प्राप्त हुआ है वी। पर्दे को दर्पण के सामने 37.5 दूरी पर रखना होगा तभी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक होगा। इस प्रकार इसमें अब आवर्धन पूछा गया है, तो आवर्धन हम उसी तरह से देखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई यानी माइनस वी बाई यू। अब उसको जब हम फॉर्मूले पे पुट करते हैं तो हमको यहाँ पर माइनस 37.5 सेंटीमीटर ये जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमको ये दूरी मालूम थी, इसमें हम 4 से गुना करेंगे। ये 4 जो है वो क्या है, ये किसकी दूरी है, ऊपर हम देख चुके हैं इसकी जो ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब नीचे u हमको माइनस 25 सेंटीमीटर प्राप्त है, तो हमको प्रतिबिंब ये वस्तु की ऊंचाई थी सॉरी, और नीचे हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो वह प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है माइनस 6 सेंटीमीटर हमको मिली। तो माइनस 6 सेंटीमीटर अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई मिली है, इसका क्या मतलब है कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बना हुआ है। क्या बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ये तो क्लियर होगा कि पीछे की तरफ इस तरफ होगा, जिधर वस्तु रखी है अगर उधर ही बना है तभी तो माइनस में है। तो लेकिन ये क्लियर नहीं था कि प्रतिबिंब ऐसा बना है या ऐसा बना है। अब क्लियर हो गया कि माइनस में प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसका मतलब है नीचे की ओर बना है, ऊपर की ओर नहीं बना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता लग गया कि ये नीचे की तरफ बना है। अब देखिए यहाँ पर क्लियर क्या क्या पता चला, उल्टा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक बना है और आवर्धित बना है। ठीक है, प्रतिबिंब आवर्धित भी बना है, उल्टा बना है और वास्तविक बना है। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन है, इस तरह से न्यूमेरिकल जो हमने आपको दो यहाँ पर बताया दर्पण से रिलेटेड, चाहे वो उत्तल हो अवतल हो, आसानी से आप इसको अब कर सकते हैं। फॉर्मूले को अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, बहुत ईजी है उसको समझना है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकल जाएगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, जिसको पूछा जाए ये पूछा जाता है, इसको इधर ला करके 1/v कर देंगे माइनस में। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकल जाएगा। अब प्रकाश का अपवर्तन है, अपवर्तन जो है हर जगह प्रकाश के अपवर्तन से सवाल पूछा जाता है, यहाँ पर भी आपको याद रखना है। आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल के मुरे होने की घटना पर आप विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पेंसिल जो है वो पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई जो है वो क्यों ऐसा लगता है कि वो आंशिक रूप से डूबी हुई है या हल्की मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि उस पर जो पहुंचने वाला प्रकाश है पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है और इसकी वजह से लगता है कि पेंसिल मुड़ी हुई है। इस तरह के कई ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो आपको याद रखना है, जैसे कि बाल्टी में एक सिक्का रखा हुआ है तो वो आपको किस तरह का प्रतीत होगा, किस कारण से वो लगता है उठा हुआ प्रतीत होता है, प्रकाश के परावर्तन, ये जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही। बाल्टी है उसमें कोई सिक्का रखा हुआ है, पानी से भरी ये बाल्टी है, इसके अंदर आपको सिक्का लगेगा कि सिक्का यहाँ पर रखा है उठा हुआ, जबकि सिक्का नीचे बिल्कुल पेंदे में रखा हुआ है, फिर भी आपको लगेगा कि सिक्का उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, वो क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे और भी इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। प्रकाश का जो अपवर्तन है वो निश्चित नियमों के आधार पर होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम तो आपको पता है कि परावर्तन का नियम क्या है, आपतित किरण। देखिए अपवर्तन निश्चित नियम के आधार पर होता है लेकिन परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। परावर्तन के नियम हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या
तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यह कोण 0 डिग्री लेस देन आई लेस देन 90 ग्रेटर देन 90, इस तरह से आपको लेस देन इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है ये फॉर्मूला होता है, ये सत्य है, ठीक है। यदि आई आपतन कोण हो और आर जो है वो अपवर्तन कोण हो, तो साइन आई बाई साइन आर जो है वो स्थिरांक होता है। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम से सापेक्ष अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब आगे कुछ अपवर्तनांक आपके सामने दिया गया है टेबल में, जिसको आपको याद रखना है। क्या दिया गया है? अपवर्तनांक दिया गया है जिसको आपको याद रखना है, बाकी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी। अच्छा, यहाँ पर याद रखिए, क्राउन कांच का अपवर्तनांक क्या है? Ng इज इक्वल टू 1.52, ठीक है। ये जो अपवर्तनांक है वो आपको याद रखना है। सारणी दी गई है, इसमें वायु का अपवर्तनांक क्या है, बर्फ का क्या है, जल का क्या है, एल्कोहल का क्या है, केरोसिन का क्या है, संगलित क्वार्ट्ज का क्या है, कनाडा बालसम का क्या है, खनिज नमक का क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड का क्या होता है, सघन फ्लिंट कांच का क्या होता है अपवर्तनांक, रूबी मणिक का 1.71 होता है, इसी तरह से नीलम का 1.77 होता है। तो ये कुछ अपवर्तनांक दिए गए हैं। बेंजीन का 1.5 होता है, क्राउन कांच का 1.52 होता है, तारपीन के तेल का 1.47 और हीरा का जो अपवर्तनांक है वो 2.42 होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हीरे का अपवर्तनांक जो है वो सर्वाधिक है इस सारणी में। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ये चार नाम दे देंगे, इनमें से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है, ठीक है, तो ये हीरा हो जाएगा। इसी तरह से आपको सबके नाम याद रखने हैं, नीलम का हीरा के ठीक बाद होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नंबर आता है रूबी का, तो इन तीनों को याद रखिए। फ्लिंट कांच जो है 1.65 होता है। तो देखिए, अभी हमने देख लिया दर्पण, ठीक है। दर्पण में हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण देखा, साथ में समतल दर्पण भी देखा। अब यहाँ पर आपसे गोलीय दर्पण की बात कही जा रही है, ये हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया है। टॉपिक लंबा ऑलरेडी है, अगर इसको हम डिटेल में बनाएंगे तो ये लगभग 1 घंटे से ऊपर की वीडियो जाएगी दोनों वीडियो मिला करके, इसीलिए हमने इसको अलग अलग 2 पार्ट में कर दिया है। तो 1 पार्ट आपने अभी देख लिया, दूसरे पार्ट को कल आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।